जय श्री कल्की, जय सियाराम, जय हनुमान। अंत की शुरुआत हो चुकी है। इंसान बहुत बड़े शिफ्टिंग प्रोसेस से गुजर रहा है, लेकिन अब भी उसकी आंखें यदि ना खुलें तो आने वाला समय बहुत बड़े चैलेंजेस को लेकर आ रहा है सभी के लिए, यानी दुनिया वालों पर फिर से एक बार चैलेंजिंग टाइम दस्तक देने जा रहा है, जिसके लिए बिगेस्ट अलर्ट ऑलरेडी जारी कर दिया गया है। किसने दिया है ये अलर्ट, किस बारे में, ये तो बाद में मैं बतलाऊंगी, लेकिन आज के समय में जो हो रहा है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। कुछ अलग बातें, कुछ अलग घटनाएं, लेकिन प्रकृति में पुनरावृत्ति होती रहती है, यानी रिपीटेशन चलता रहता है उन घटनाओं का जो दशकों पहले, सदियों पहले इस धरा पर घटी, और फिर से एक बार एक अलग रूप में वही घटनाएं घटने लगती हैं। यानी एग्जैक्ट वही चीज़ तो नहीं, लेकिन उसी में थोड़ा सा उलट फेर करके फिर से वही घटनाएं घटने शुरू हो जाती हैं। और ग्रह और नक्षत्र हमें पहले से ही अलर्ट देने लगते हैं कि आने वाले समय में हमें अपने आप को लड़ने के लिए किस प्रकार तैयार रखना है। एक बहुत बड़ी शिफ्टिंग ह्यूमैनिटी में भी चल रही है। आज इंसान मानवता को भूल चुका है। एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ, इंसान की लैंग्वेज, इंसान की सोच किस हद तक नीचे गिरी है, किस प्रकार के बोल बोले जा रहे हैं। छोटा सा एक एग्जांपल मैं दूंगी तो आपको भी समझ में आ जाएगा। मुंबई में जो इंडी अलायंस है, शिवाजी की जब मूर्ति गिरी उसके अगेंस्ट उन्होंने एक आंदोलन स्टार्ट किया आज के दिन, और वो आंदोलन यानी 1 सितंबर 2024 को, और वो प्रोटेस्ट क्या है, शिवाजी मूर्ति गिरी शिवाजी की उसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट है, लेकिन उस प्रोटेस्ट का नाम कुछ अलग होना चाहिए, लेकिन जूते मारो इस आंदोलन का नाम, इस प्रोटेस्ट का नाम रखने की क्या ज़रूरत है। बड़े बड़े नेता, शरद पवार जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, उद्धव ठाकरे जो अपने आप को एक महान नेता बतलाते हैं, उनके पिता बाला साहेब ठाकरे कितने अधिक पॉपुलर, उद्धव ठाकरे भी कम पॉपुलर नहीं, लेकिन इंडी अलायंस के ये शब्द जूते मारो उनके किस संस्कार को दर्शाता है। अगर उसके बदले शिवाजी की रक्षा आंदोलन नाम दिया जाता तो भी अच्छी बात थी, या कुछ और अच्छे शब्दों के द्वारा। यही जो काम चल रहा है, अब कलयुग के अंत की शुरुआत हो चुकी है, और इसी कारण जो कहा गया है पुराणों में, अब वही यथावत साबित हो रहा है। पुराणों में यही लिखा गया है कि कलयुग के एंड में इंसान आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा, और जब शिफ्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी उसमें असुरों का सर्वनाश करने के लिए ही भगवान कल्कि जब धरा पर उतरेंगे, तब असुरों का सर्वनाश इसलिए होना ज़रूरी हो जाएगा क्योंकि वो खुद को तो बर्बाद करेंगे ही, पूरी पृथ्वी को भी बर्बादी की ओर ले जाएंगे, जैसा अभी देखा गया है। तो जैसा मैं कह रही थी कि द बिगेस्ट अलर्ट, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, द बिगेस्ट अलर्ट फॉर द होल वर्ल्ड, किस लिए, क्या 2020 को कोई आज तक भूल पाया, 2020 को लाइफ लॉन्ग जब तक इंसान जिंदा रहेगा भूलेगा नहीं, क्योंकि कोरोना की मार ही ऐसी थी। फिर से एक बार हमारे स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी बतलाया है कि डरने की तो ज़रूरत नहीं, लेकिन अलर्ट रहना है। वायरोलॉजिस्ट दीपक सहगल जो हैं शिव नाडर यूनिवर्सिटी नोएडा के बहुत बड़े प्रोफेसर, उन्होंने भी एक न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि एक बार फिर से COVID-19 रिटर्न हो रहा है, सिर्फ उसका स्वरूप बदला है, KP2 के नाम से वो रिटर्न हो रहा है, लेकिन वायरस वही है, वही पुराना खेल एक अलग नए अंदाज में,
और ये सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, जैसा मैंने कहा पूरे देश के लिए द बिगेस्ट अलर्ट। WHO ने भी चेतावनी देते हुए कहा है कि भले ही भारतवर्ष में इसके केसेस ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन फिर भी जून और जुलाई में देखा जाए तो हमारे ही देश में 1000 केसेस आए हैं जिसमें 2 की मृत्यु हुई है, लेकिन बाहर USA में एट प्रेजेंट 4000, जी हाँ 4000 पेशेंट कोरोना के ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं। इसके अलावा साउथ कोरिया में भी फिर से एक बार ये यानी कोरोना वायरस ने दस्तक दी है, वहाँ पर भी हंगामा मच गया है कोरोना के कारण। और हमारे देश में जो ये 1000 केसेस मिले हैं वो कहाँ कहाँ मिले हैं, उसे महाराष्ट्र भी है, उसमें गुजरात भी है, उसे मध्य प्रदेश भी है, केरला भी है, कर्नाटका भी है, इन सभी असम भी है, इन सभी राज्यों में COVID-19 के केसेस मिलने शुरू हो गए हैं। यदि फिर से एक बार लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना है तो WHO ने कहा है एवं वायरोलॉजिस्ट ने भी कहा है कि यदि लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना है तो इंसान को अभी से अपने आप को सही रखना है, लाइफस्टाइल को और डिस्टेंस मेंटेन करना फिर से एक बार स्टार्ट कर देना है। मंकी पॉक्स के मामले पाकिस्तान में फिर से बढ़ने लगे हैं। ऑलरेडी मंकी पॉक्स के ऊपर मैंने वीडियो आप लोगों को दिए हैं। हमारे देश में भी मंकी पॉक्स ने ऑलरेडी एंट्री मार ली है। अफ्रीका में ये तबाही मचा रहा है और पाकिस्तान में भी इसका आतंक फैल चुका है। तो हमारे पड़ोस में यदि इसका आतंक फैला है और हमारे देश में एंट्री इसकी हुई है तो इसका मतलब आने वाले समय में जो एक बहुत बड़ी बीमारी के बारे में कहा गया है जिसमें बहुत बड़ी जनहानि के संकेत है, कोरोना से भी बहुत बड़ी जनहानि के संकेत, तो उसके लिए लगातार WHO अलर्ट दे रहा है। और हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने भी JP नड्डा साहब ने भी कह दिया है कि सब लोग अलर्ट मोड पे रहें, यानी बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल जाकर जैसे कोरोना में टाइम हुआ बस्ट हो गया था वो एपिडेमिक, वैसी कंडीशन तो अभी नहीं है क्योंकि सब लोगों ने वैक्सीन लिया है और अभी भी वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन फिर भी खुद के लाइफस्टाइल को भी ध्यान रखते हुए ध्यान रखना है। तो मंकी पॉक्स के केसेस बढ़ रहे हैं, कोरोना की फिर से एक बार एंट्री हो चुकी है हमारे देश में भी और पूरे वर्ल्ड, जहाँ जहाँ मैंने आपको बतलाया सिर्फ अमेरिका नहीं, अमेरिका के अलावा साउथ कोरिया एवं और भी कंट्रीज़ में, इसलिए वायरोलॉजिस्ट को सामने आना पड़ा हमारे देश में न्यूज़ एजेंसी के माध्यम से कि लोगों तक बात पहुँचाई जाए। तो अभी जो ये शिफ्टिंग प्रोसेस चल रहा है, कहीं ये शिफ्टिंग प्रोसेस बहुत बड़ी जनहानि का संकेत तो नहीं, क्योंकि जिस एपिडेमिक की बात की गई है एवं जैसा कि अभी हम लोग देख रहे हैं अत्यधिक बाढ़ के कारण प्रचंड जल आपातकाल की स्थिति आज आ गई है, कहीं पर पीने को पानी नहीं और कहीं पर इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है कि लोगों के घर डूब चुके हैं, लोगों को खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा है। तो ये जो जल आपातकाल चल रहा है ये इमरजेंसी से कम नहीं उनके लिए जो लोग इसे झेल रहे हैं, अन्यथा बाकियों के लिए सब कुछ नॉर्मल हमारे देश में चल रहा है। जैसे इज़राइल में 2 दिनों के लिए इमरजेंसी लगी, जब मैंने वीडियो बनाया तो एक ने कहा इज़राइल में सब कुछ नॉर्मल है, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो इज़राइल में 2 दिनों के लिए क्यों इमरजेंसी लगाई गई, नॉर्मल कंडीशन में तो इमरजेंसी लगाई नहीं जाती। तो आने वाला समय एक बहुत बड़े आपातकाल को ही दिखला रहा है। फिर से एक बार लॉकडाउन की स्थिति न गवर्नमेंट को लेना पड़े उसके लिए स्टेप, इसलिए अपने आप को रखिए हेल्दी, जाइए हर जगह लेकिन अपनी प्रिकॉशन को ध्यान में रखते हुए, अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।